तो लो भाई देखो जरा, चल नजारा है यहाँ का भी, ऊपर पहाड़ है और देखो तो गाइस देखो ये रहा हमारा पूल और ये हम मस्त नहा रहे हैं और ये वादियों के बीच में, ये देखो वादियां हैं देखो सारी यहाँ पे, वो ही पार्ट देखो वादियां, वादियों के बीच में ये रहा स्विमिंग पूल। देखो यहाँ पे हरिद्वार आ गए हम भाई, पानी देखो। गुड मॉर्निंग गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे हो अभी हम होटल में, और कल रात आते ही खाना खाया और सो गए भाई, इतनी गंदी नींद आ रही थी क्योंकि पूरी रात पिछली बार भी नहीं सो पाए हम सही से। हम घूमने चले गए थे एक आध घंटा घूम के, फिर हम आ ही गए आप घर यहाँ पे, फिर मन नहीं करा अब कुछ करने का, सो ही गए सीधा। और अब उठे 9 बजे और चेकआउट था हमारा 11 बजे का, हम वैसे ही लेट हैं। और हमें से कोई फिलहाल नहाया, कोई नहाया ये नहीं नहाते, कोई कोई नहाया हमें से गाइस, मैं सही बताऊँ ठीक है। तो हम नहाएंगे ऋषिकेश, कैंपिंग करने जा रहे हैं भाई, अब सीधा ऋषिकेश जाके कैंपिंग करेंगे भाई, मजा आ जाएगा कैंपिंग में। और कैंपिंग का क्या क्या प्राइसिंग होगी और क्या सीन होगा वहाँ पे, मैं आपको सब डिटेल दे दूंगा। अभी हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए, और देखो हमने बैग में सब पैक है, फिर सब बैग के, और मजा आ रहा भाई। हाँ भाई फुल मजे है भाई, और ये क्या और भी मजा आ रहा है, पूरे फुल मजे हैं। अब जाएंगे ऋषिकेश, अब तो ऋषिकेश जाने वाले हैं भाई। मैं से बताऊँ यहाँ पे ना, मतलब कि देखो अच्छा तो है, ये जगह बहुत प्यारी और सुंदर भी है, लेकिन यहाँ पे ना इतना क्राउड नहीं है, और ना यहाँ पे साथ कपल ज्यादा आते हैं, तो हमारा मतलब कि इतना बढ़िया नहीं है, इससे बढ़िया तो मसूरी में जा रहे थे। लेकिन देख लाख जगह अच्छी है, थोड़ा अगर न्यू जगह आओगे तो मतलब कि न्यू एक्सप्लोर करोगे, मसूरी से अलग हटके शांति ज़्यादा है यहाँ पे। तो अगर जिसको नेचर से ज़्यादा प्यार है, ज़्यादा ही मतलब कि अकेले मैं समझ रहा हूँ क्या कह रहा चाहूँ, तो ये जो जगह है ना, ये ना अभी डेवलपमेंट है, तो अभी प्रॉपर डेवलप्ड हुई नहीं है, तो इसका डेवलपमेंट चल रहा है धीरे धीरे। तो जब हो जाएगी तब तो भाई क्राउड आ ही जाएगा, अभी लोग कम आते हैं, कम पता है लोगों को, तो इस वजह से यहाँ पे इतना लोग नहीं आ पाते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं यार गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी मिलता आप लोगों को। तो भाई ये देखो अपने होटल के बाहर के नज़ारे, मतलब पहाड़ ही पहाड़, और देखो यहाँ से कुछ ऐसा है। तो ये जैन होटल था इस होटल का नाम, तो होटल भाई सही था, रेट थे 2500 चार्ज होंगे। अब जब इनका पेमेंट करते हैं और निकलते हैं चेकआउट करने के। तो भाई हम निकल चुके हैं अब ऋषिकेश के लिए, और इस बार मैं गाड़ी में चला रहा हूँ, तो भाई हम चलते हैं अब। तो भाई देखो कितनी गंदी लैंडस्लाइड हो रही है, कुछ पहाड़ नीचे आ गए पहाड़ है, या फिर लैंडस्लाइड हुई यहाँ पे। हमने बहुत जगह देखी लैंडस्लाइड, बहुत ही रहती है भाई पहाड़ों पे लैंडस्लाइड। वो देखो भाई नजारे देखो एक बार, जगह तो बहुत प्यारी वैसे जो बात है। तो भाई थोड़ी देर रुके हम पेट्रोल भरवाने के लिए, पेट्रोल भरवाते हैं पहले इसकी टंकी फुल करा के फिर निकलते हैं ऋषिकेश की तरफ। तो भाई फुल ही करा रहे हैं पेट्रोल, तो भाई ऑटो कट हो चुका है, अब देखते हैं एक्स्ट्रा कितना आएगा, अभी तो आ रहा है, भर देना पूरा। तो भाई 2500 के करीब आ गया पेट्रोल, चलो भाई अब चलते हैं। तो भाइयों हमने अभी देखा, तो गूगल पे सर्च मारा कि कैंप कौन सा अच्छा है और बजट में आ जाए ठीक है। तो हमने देखा एक बढ़िया सा हमें कैंप मिला, उनसे बात करी, मैम थी तो उनसे हमने, उन्होंने बताया हर चीज अटैच क्या क्या सब क्या था, अटैच वॉशरूम और डीजे नाइट और खाने पीने का लंच स्नैक्स हर चीज, और मैं कह रहा हूँ स्विमिंग पूल भी साथ में। तो भाई सारी चीज़ वहीं पे है, और अभी तो मैं दिखाता हूँ उसकी फोटो वोटो अभी उन्होंने भेजी है। तो भाई ये देखो इसके क्या नाम है, रूम्स के जो कैंप है उसके बेड वगैरह ये सब, और देखो डीजे नाइट पूरी मस्त है, देखो इसमें वीडियो भी भेजी है, और इसमें स्विमिंग पूल भी दिखाया भाई। ये देखो ये रहा बाहर से वो सिस्टम, और ये रहा स्विमिंग पूल भाई, पूरे सामने पहाड़ और भाई नहा रहे बंदे भाई, क्या मजा आएगा ना, मिक्स नहा रहे भाई क्या डबलिंग की बात हो रही यार। तो भाई यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है, अटैच वॉशरूम वगैरह, कैंप विद एयर कूलर और सब है, मतलब कि इसमें बढ़िया है। और हम जा रहे हैं रास्ते में, अब रास्ते में 90 या 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से, हमें लगेगा कम से कम 2 घंटा, और अब पहुँचते हैं फटाफट। तो भाई यहाँ से हम एंटर हुए हैं कैंप के लिए, और जा रहे हैं वो ऊपर चेकिंग हमने सब कर लिया है, अब हमने रूम देख लिया था पहले ही, अब आपको ज़रा दिखा दूँ एंट्री कैसी है अभी देखो। तो लो भाई देखो ज़रा, चल नज़ारा है यहाँ का भी, ऊपर पहाड़ है और अपने नीचे सारे कैंप्स, और ये खाने पीने का कैसा सही है, बड़ी लग रही है लेकिन ये थोड़ी ऊपर वाला हमारा, तो
तो भाई हम जाएंगे ऊपर, यहाँ नहीं जा रहे। इस नीचे वाले में फील नहीं है ऊपर का। हाँ ऊपर का बढ़िया है, स्विमिंग पूल भी दिखाया अभी तो। हमने देख लिया था, अब आप लोगों को थोड़ा दिखा दे। चलो अब चलते हैं ऊपर, ऊपर दिखाता हूँ आपको। यही देखो ये अपनी पीछे की जगह, यहाँ से कूदते हैं और ये रे और कैंप्स छोटे मोटे, और ये सेकंड फ्लोर मतलब फ्लोर क्या ऊपर है थोड़ा ये कैंप्स। और कैंप को देखो कैसे अंदर से भाई, पहले तो घुसते यहाँ कूलर है क्योंकि ठंड तो ये है थोड़ी बहुत, इसलिए एसी की जरूरत नहीं यहाँ पे। और ये रे एक बेड, तीन तीन जन और आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे अपना मोटा जाएगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ भूत का सीन नहीं होना चाहिए और क्या। भाई आऊंगा अभी हम, हाँ होटल में थे ना, चकराता मैं क्या उसका सीन हुआ मेरे साथ। ये रहा बात कि हम यहाँ पे स्नैक्स खा रहे हैं देखो, और वहाँ पे डी नेट चल रही है, लेकिन हम तो बाद में करेंगे जो भी करेंगे अभी खा लेते हैं। भाई इन लोग को देखो जरा, इतनी रात हो रही है, 12 बज रहे हैं, और देखो इन्हें, ये देखो स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं लोग। भाई मेरे से नहीं नहा जाएगा, एक बार छू के तो देख, ठंडा पानी नहीं है इतना, नॉर्मल है, नॉर्मल था बिल्कुल, लेकिन मुझे ना गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस हम उठ चुके हैं हमारा टेंट में, पहली मॉर्निंग है और बाहर के नज़ारे भाई क्या ही हो रहे हैं, तुम्हें ज़रा दिखाता हूँ रुको, थोड़ी शक्ल ऐसी हो रही मेरी देखो क्या बन रहा है। बेटे देखो तो सही क्या ही नज़ारे हैं, मैं जैसे उठा ना मैंने नज़ारे देखे, मैं कह रहा वाह बेटे देखो ज़रा मज़े आ गए थे, मज़े से बुरे आ गए थे भाई, जो बात है। ये रहा अपना टेंट, ठीक है भाई ये रहा अपना टेंट। अब हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट आ चुका होगा तो अब थोड़ी देर जाते हैं ब्रेकफास्ट करने, जरा आपको ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ क्या क्या है। तो भाई नींद तो हमें सही आई थी रात को, और मतलब बढ़िया सही हो गया था, और यहाँ के भी देखो तो नज़ारे कुछ ऐसे हैं, लेकिन ना ऊपर का नज़ारा ज़्यादा बढ़िया है भाई, जो बात है, इसलिए हमने ऊपर का लिया था। और अभी यहाँ ब्रेकफास्ट चल रहा है देखो, ये रहा भाई क्या क्या है, ब्रेड जैम पोहा आलू पूरी और चाय, पोहा भी बढ़िया है, चाय उन्होंने पोहे में ना मटर डाल दी, मटर छी वे ज़्यादा नहीं, चलो ठीक है खा लेंगे, तो लोग खाते हैं उसके बाद चलेंगे स्विमिंग पूल में भाई, स्विमिंग पूल में इसके बाद नहाना यार फटाफट, चलो फटाफट खाते हैं। तो गाइस देखो ये रहा हमारा पूल, और यहाँ हम मस्त नहा रहे हैं, और ये भी आ गया नहाने के लिए, अभी स्टार्ट करा नहाना, हम तो काफ़ी देर से नहा रहे हैं। हाँ भाई मजा आ रहा है, हाफ एन आ रहा है, हाफ एन आर में चलना है। ओके और ये इसे हुक्के से फुर्सत नहीं है, इसे ये हुक्का ये खापी तरह आता है, सारे मजे कर रहे हैं। और क्या वादियों के बीच में, वादियों के बीच में ये देखो वादियाँ हैं देखो सारी यहाँ पे, वो रही पार्ट देखो वादियाँ, वादियाँ वादियों के बीच में, ये रहा स्विमिंग पूल और ये रहा गंजेड़ी, एक जंप हो जाए, एक जंप हो जाए, जंप जंप हो जाए, एक जंप हो जाए, बैक फ्लिप वाली, रंडी जंप मार, रंडी जंप आप बेटे, पोजिंग एक पोजिंग, हाँ छोटा है वो अभी तो लोग आए। पिंक व्हाट अ क्वालिटी, हेलो गाइस है नहीं। तेरे कुछ काम है और ये पीने के अलावा अभी इसके बिना तो जिंदगी नहीं कटती, दिखा ये दवाई है रे पानी यार, एक फोटो शूट कर, फोटो शूट मैं दो छोड़ नहीं सकता
तो गाइस हम नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए यहाँ से। अब भाई कहाँ जाना है भाई बताओ? हरिद्वार। हरिद्वार या ऋषिकेश? थोड़ा घूमना है ऋषिकेश। चल रहे ऋषिकेश में ही हम बीच पे नहर पे भाई तो नहर वगैरह चल रहे कह रहे हैं। और फिर वहाँ से हमारा प्लान है हरिद्वार से जलवल लेके आने का, थोड़ा नहीं आएंगे हरिद्वार में भी और देखते हैं क्या प्लान रहता है। और आज तो वैसे घर निकलना ही हमें, तो आज लास्ट डे हमारा, शाम तक निकल ही जाएंगे, है तो लास्ट डे हमारा। और अब जहाँ से चेकआउट करते हैं फिर निकलते हैं थोड़ी देर में, अब यहाँ से ऋषिकेश के लिए, तो घूमने के लिए थोड़ा बहुत। और देख लो भाई ये बढ़िया जगह थी, मज़ा आ गया जो बात है। चलो मिलता है अभी आपको थोड़ी देर में। तो भाई चश्मा लाना कैसा लग रहा? चश्मा लिया नया और अभी निकल रहा है थोड़ी देर में। मैं निकल गई अपनी गाड़ी हम यहाँ पे आ चुके हैं हरिद्वार के पास। करो हरिद्वार करो पीछे, तो अभी हर की पौड़ी जा रहे हैं। कैन वैन लिया हमने यहाँ पे पानी वानी भरने के लिए। ऋषिकेश जा नहीं पाए क्योंकि ऋषिकेश के लिए घर वाले कह रहे थे कि जल्दी आओ यार घर पे, तो हम ऋषिकेश घूमने में फिर लेट हुआ था काफ़ी, तो वहाँ हम जा नहीं पाए ऋषिकेश में और जगह घूमने। तो हम सोचा हरिद्वार घूम के फटाफट घर ही चलते। क्या कर रहा है? अच्छा भाई देखो यहाँ पे हरिद्वार आ गए हम। देखो क्या कह रहा, देख ले भाई पानी, देखो पानी का बहाव, पानी भरना है हमें, पानी बहुत ठंडा हुआ। तो भाई ये हड़की पौड़ी है यहाँ पे, अब तो पानी देखते हैं नहाने का सिस्टम क्या है। मतलब आएंगे तो नहीं, हाथ धोएंगे थोड़ा बहुत भी क्योंकि नहा तो चुके हैं हम, और थोड़ा पानी भर लेंगे इसमें। चलो तो भाई अब हम हरिद्वार से निकल चुके हैं, अपना सारा हमारा सामान ले लिया था हमने, थोड़ा बहुत कड़ा वड़ा दिखा दो अपना। क्या लिया तुमने? कड़ा लिया दिखा दो यार। तो भाई ये कड़े लिए हैं हम चारों ने, इसने अलग गोल्डन लिया है तरुण ने, तो ठीक है। तो अभी हम निकल चुके हैं, अब थोड़ी देर 3-4 घंटे का रास्ता है, पहुँच जाएंगे और फिर हम चल ही रहे हैं। तो भाइयों ये दूसरा दिन है, तो मैं जैसे कि वहाँ से घूम के आ गए थे डायरेक्ट, इतने थक रहे थे तो फिर हमारा मन नहीं करा व्लॉग करने का उस टाइम पे। तो आज हमारा दूसरा दिन है उसके बाद का, फिर मैं भूल गया उस दिन व्लॉग करना। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ऋषिकेश की मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा कि क्या नाम है उसके, क्या प्राइसिंग थी क्या नहीं था। जैसे कि हमें ऋषिकेश में पर बंदा 1300 रुपये में पर डे, मतलब कि उसमें ना एक पूरे दिन में 1300 रुपये में एक बंदा रह सकता है, खाना भी खा सकता है 3 टाइम का पूरा, और मतलब पूरा जहाँ भी चीज़ है वहाँ पे फैसिलिटीज है ना वहाँ का पूरा आनंद ले सकता है सिर्फ 1300 रुपये में। और हमें तो डील अच्छी लगी, और आप लोगों का अपना अपना चॉइस होगी कि किसको कैसा पसंद है किसको कैसा नहीं। हमें अपनी 1300 रुपये में डील सही लगी, खाना भी अच्छा था टेस्टी था, बीच का थोड़ा स्नैक्स को इतना कोई खास नहीं लगा, लेकिन हाँ डिनर बहुत टेस्टी था। डिनर वैसे सही से करना नहीं थी, पेट भरा हुआ था हमारा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर किसी लोगों को, आपको भी किसी को भी जाना ऋषिकेश, तो भाई ज़रूर जाना, बहुत बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह ऋषिकेश, हमें तो मज़ा आया। और आपको बताना आपको वीडियो देख के कैसा लगा, आपको बताना आपको कैसे लगे व्लॉग, ठीक है। तो इसके बाद मिलूंगा मैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं ट्राई करूंगा जल्दी जल्दी व्लॉग लाने का, क्योंकि यार मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। इस बार मैं ट्रिप के बहाने व्लॉग भी कर लिया, और मज़ा तो मुझे भी यार व्लॉगिंग करने में मज़ा आता ही है यार, ठीक है। तो इसके बाद मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भाई सब ने ध्यान रखना, और टिल देन बाय।